नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कहते हैं गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। तभी तो अपने गुरु की गिरती सेहत का हाल सुनकर प्रधानमंत्री मोदी बेचैन उठे और आनंद फानंद में गुरु से मिलने का कार्यक्रम बना डाला। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद गिरी सरस्वती से भेंट करने आज ऋषिकेश जा रहे हैं। ये गुरु और शिष्य का रिश्ता है, दशकों पुराना रिश्ता। इस रिश्ते के बीच कहीं पद की दीवार नहीं है। गुरु के लिए शिष्य बस शिष्य है और शिष्य के लिए गुरु बस गुरु। ऋषिकेश के संत स्वामी दयानंद सरस्वती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु हैं। 86 वर्ष की उम्र में सेहत साथ नहीं दे रही। जब शिष्य ने गुरु की गिरती सेहत का हाल सुना तो मन उनसे मिलने के लिए बेचैन हो गया। तारीख तय हो गई। आज प्रधानमंत्री अपने गुरु से मिलने ऋषिकेश पहुंच रहे हैं। और हमारे गुरुजी बीमार है, काफ़ी क्रिटिकल है, स्वामी दयानंद जी। और प्रधानमंत्री जी के बजाय श्री नरेंद्र मोदी जी से कई सालों दशकों पुराना परिचय है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार अपने गुरु के आश्रम में पहुंच रहे हैं। रिश्ता निजी है, लेकिन प्रशासन के लिए गुरु शिष्य की ये मुलाकात किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए ऋषिकेश प्रशासन पिछले 3-4 दिनों से सारी तैयारियों में जुटा हुआ है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कमान संभाल ली है। पीएम की यात्रा से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने दयानंद आश्रम परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया है। आश्रम में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। वहीं आश्रम में रहने वाले भक्तों को मीडिया से दूरी बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। हम लोग जो संभावित प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके अनुरूप जो समय समय पर सक्षम स्तर से सुरक्षा के संबंध में निर्देश आते रहते हैं उसके बारे में अक्षरतर उसका पालन करने के लिए हम लोग सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए छोड़ देंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए तमाम भक्त आश्रम से जा चुके हैं, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती की खराब सेहत की वजह से उनके दर्शनों के लिए आने वाले भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। गुरु शिष्य के इस मिलन के चलते सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता आश्रम के चप्पे चप्पे की जाँच करने में लगे हैं। आश्रम के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के आश्रम में आने के दौरान आश्रम के भक्तों को अपने कमरे में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। उसी को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि क्या कार्यक्रम स्थल है और किस तरह की चीजें हैं, जिससे कि सुरक्षा और अन्य कामों पे हम लोग निर्णय। आश्रम के स्वामी जी का स्वास्थ्य खराब है, स्वामी जी के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने। केंद्रीय एजेंसियों ने सुरक्षा के लिहाज से दयानंद आश्रम को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। जमीन से लेकर छत तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए ड्रेस रिहर्सल किया ताकि जब प्रधानमंत्री आए तो अपने गुरु से भेंट करने में ना तो उन्हें कोई बाधा आए और ना ही उनके सुरक्षा इंतजामों में कोई कोर कसर छूट जाए। ऋषिकेश में विनीता के साथ आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी और स्वामी दयानंद गिरी का गुरु शिष्य का संबंध बरसों पुराना है। तब नरेंद्र मोदी अपने गुरु से मिलने बिना किसी रोक टोक के पहुंच जाया करते थे, लेकिन आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर वो पहली बार ऋषिकेश जा रहे हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने में प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आनंद फानंद में सभी तैयारियां हुई, अब तो वहां बस मोदी का इंतजार है। ऋषिकेश में गंगा किनारे बना भव्य दयानंद आश्रम आज गुरु शिष्य परंपरा में मजबूत होते रिश्तों का साक्षी बनेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी आश्रम में अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनकी सेहत का हाल चाल पूछेंगे। दयानंद आश्रम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के लिहाज से सारे इंतजाम पूरे हो गए हैं। दयानंद आश्रम में देर शाम तक मोदी की अगवानी की तैयारियां होती रहीं। प्रशासन आखिरी वक्त तक जुटा रहा ताकि कहीं कोई कोर कसर बाकी न रह जाए। रात में ही प्रशासन इस बात के लिए मुतमईन हो गया कि दयानंद आश्रम प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिन में करीब 3 बजे हेलीकॉप्टर से IDPL हेलीपैड तक पहुंचेंगे। हेलीपैड से प्रधानमंत्री का काफिला कार से दयानंद आश्रम में पहुंचेगा। आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ करीब 45 मिनट वक्त गुजारेंगे।
पीएम की सुरक्षा को देखते हुए आश्रम के करीब 250 मीटर के दायरे में पूरी तरह पाबंदी कर दी गई है। ये इलाका सुरक्षा घेरे में रहेगा। माननीय प्राइम मिनिस्टर के आगमन को देखते हुए सिक्योरिटी के लिहाज से हर तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं। इसमें जो लाइजनिंग भी है, सारे सिक्योरिटी एजेंसी के साथ लाइजनिंग करते हुए यहाँ पर जितने भी रूट के कार्यक्रम के और बाकी जितने भी यहाँ सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता प्रबंध रहे, उसके लिए हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कमान एक तरफ जहाँ केंद्रीय एजेंसियों ने संभाल रखी है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड पुलिस की जितनी भी विंग हैं, वो ऋषिकेश में डेरा डाले हुए हैं। वीआईपी सुरक्षा के लिए अलग पुलिस टीम तैनात है। सुरक्षा अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की रिहर्सल कई बार की। हेलीपैड से आश्रम तक जाने वाली सड़क को भी ठीक किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी एसपीजी और एनएसजी के आला अधिकारी पहले से ही आश्रम में डेरा डाले हुए हैं। ऋषिकेश तो पूरी तरह तैयार है, अब तो बस प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है। ऋषिकेश में विनीता के साथ आज तक ब्यूरो। आध्यात्मिक संत स्वामी दयानंद गिरी ने आध्यात्म और वेदांत की शिक्षा के प्रचार प्रसार में पूरा जीवन लगा दिया। उनमें परंपरा और आधुनिकता का समन्वय है। यही वजह है कि देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उन्हें दुनिया भर में शोहरत मिली। प्रधानमंत्री मोदी से तो उनका बरसों पुराना नाता है। कभी मोदी उनसे मिलने ऋषिकेश पहुंचे तो कभी खुद गुरु ने गांधीनगर जाकर अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया। To be at the right place at the right time is what success is about. ये गुरु का ज्ञान है जो सबको नहीं मिलता। Right decisions that what makes your life. आध्यात्मिक संत स्वामी दयानंद सरस्वती शंकर परंपरा के वेदांत और संस्कृत के गुरु हैं। पिछले 5 दशकों से देश देशांतर में उन्होंने वेदांत की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो वेदांत के जरिए आज की समस्याओं का भी निदान निकाल लेते हैं। इसके चलते एक तरफ वो परंपराओं की डोर थामे रहते हैं तो वहीं आधुनिकता भी उनके विचारों को महकाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर स्वामी दयानंद का गहरा प्रभाव है। नरेंद्र मोदी को जब जब वक्त मिला तब तब उन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में समय बिताया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने बड़े आदर के साथ अपने गुरु दयानंद सरस्वती को गांधीनगर बुलाकर उनका स्वागत किया था। 2013 की ये तस्वीरें गुरु शिष्य के इस रिश्ते की गवाह हैं। स्वामी दयानंद गिरी ऋषिकेश में दयानंद सरस्वती आश्रम और कोयंबटूर में अर्शविद्या गुरुकुलम के संचालक हैं। उनके आश्रम से देश भर में 100 से ज्यादा शिक्षा के केंद्र चलाए जाते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भी आश्रम का एक केंद्र है। स्वामी दयानंद ने साल 2000 में ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर सेवा संस्था की भी नींव रखी। शिक्षा और सेहत के लिए बेहतरीन काम करने के चलते दयानंद आश्रम को साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से अवार्ड भी मिला है। स्वामी दयानंद सरस्वती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता बहुत पुराना है। 16 साल पहले भी नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में आए थे। जब जब भी मोदी के सामने कोई मुश्किल समस्या आई तब तब उन्होंने गुरु से ज्ञान लिया। तो निजी संबंध के तहत वो आ रहे हैं। मैं शायद ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी नहीं लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं जी। तो ये थोड़ा निजी ब्यौरा है। स्वामी दयानंद सरस्वती की उम्र अब 86 साल हो चुकी है। शरीर कमजोर हो चला है, सेहत साथ नहीं दे रही। ऐसे में उनकी गिरती सेहत का समाचार जब नरेंद्र मोदी को मिला तो वो खुद को रोक नहीं पाए। आनन फानन में ऋषिकेश पहुंचने का फैसला किया। नरेंद्र मोदी गुरु शिष्य के रिश्ते का मर्म जानते हैं। वो जानते हैं कि गुरु का दर्जा गोविंद से भी ऊपर है। आज तक ब्यूरो। गुरु शिष्य के रिश्तों की एक और दास्तान आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में एक दौर वो भी आया था जब उन्हें संन्यास लेने की धुन सवार हो गई थी।
स्वामी विवेकानंद पर किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो सन्यासी बन जाएंगे। ऐसे में एक और गुरु उन्हें मिले जिन्होंने अपने शिष्य को समझाया कि वो सन्यास के लिए नहीं बल्कि सियासत के लिए बने हैं। गुरु गिरवे वस्त्रों में सोफे पर बैठे सन्यासी और उनके चरणों में बैठे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर 2 साल पुरानी है, जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये सन्यासी स्वामी आत्मस्थानंद हैं, जिनकी एक पहचान तो बेलूर मठ के प्रमुख की है, लेकिन दूसरी मोदी के गुरु की। वो गुरु जिन्होंने नरेंद्र मोदी के जीवन की दिशा बदल दी, वो गुरु जिन्होंने मोदी को सन्यास का भगवा चोला नहीं राजनीति का सफेद लिबास पहनने की सलाह दी। पूज्य आत्मस्थानंद जी के साथ बचपन में मुझे समय बिताने का सौभाग्य मिला है, मुझे उनसे अपार स्नेह बचपन में मिला है। जीवन के हर मोड़ पर उनका मुझे साथ सहयोग मिलता रहा है, मेरे लिए बहुत ही ये आनंद के क्षण है। मेरे मन मंदिर को स्पर्श करने वाला ये माहौल है। स्वामी आत्मस्थानंद से नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात सन 1966 में हुई थी। उस समय स्वामी राजकोट के रामकृष्ण आश्रम आए थे। मोदी तब 16 साल के थे और 8 साल आरएसएस की शाखाओं में बिता चुके थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रभावित नरेंद्र मोदी उस समय उनसे मिलने पहुंचे। कुछ दिन आश्रम में बिताने के बाद मोदी ने कहा कि स्वामी जी मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। तब स्वामी ने उनसे कहा कि तुम सन्यासी जीवन नहीं राजनीतिक जीवन के लिए बने हो। नरेंद्र मोदी ने गुरु का यह ज्ञान सिर माथे पर रखा और राजनीतिक जीवन में उतर गए। तमाम कामयाबियां अपने नाम करते हुए नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति से केंद्र की राजनीति में आए। 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। जब ये तय हो गया कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो स्वामी आत्मस्थानंद ने अपने शिष्य नरेंद्र मोदी को प्रसाद के तौर पर एक फूल भिजवाया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ले रहे थे तो गुरु का ये प्रसाद उनके कोट की जेब में रखा था। स्वामी आत्मस्थानंद की सेहत इन दिनों ठीक नहीं है। कोलकाता में स्थित रामकृष्ण मिशन के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अपने गुरु की गिरती सेहत के बारे में जब नरेंद्र मोदी को पता चला तो पिछली 9 मई को मोदी उनसे मिलने वेलूर मठ पहुंच गए। गुरु शिष्य का यह मिलन लोगों के लिए मिसाल बन गया। आज तक ब्यूरो। चलिए एक ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, लेकिन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।